हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है। टैली प्राइम में एक खास सेक्शन है जिसे हम पेरोल का सेक्शन बोलते हैं, और पेरोल में टीडीएस को लेकर के अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया मैंने, तो ये वीडियो टीडीएस को लेकर के है। तो चलिए आइए, सबसे पहले बाउचर में चलते हैं, और बाउचर में जाने के बाद हमें कहाँ जाना है, हमें आ जाना है अदर बाउचर में। ये अदर बाउचर आपको दिख रहा होगा, फिर हमें आना है यहाँ पर, देख सकते हैं तमाम आपको बाउचर्स नजर आ रहे होंगे, लेकिन पेरोल बाउचर अभी भी नहीं नजर आ रहा, तो आपको शो इनएक्टिव पे कर देना है क्लिक। जैसे ही शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा ये सेक्शन ओपन होता हुआ दिखेगा। अब हमको यहां से पेरोल बाउचर में जाना है, लेकिन पेरोल बाउचर अभी भी हमें दिख नहीं रहा है, तो ये पेरोल बाउचर नीचे आएगा। ये देख सकते हैं पेरोल बाउचर नीचे आ रहा है, लेकिन इसको एक्टिवेट करना है। एक बार चेक करते हैं एक्टिवेट किया या नहीं। तो यहां से F11 की आपको प्रेस करनी है, फंक्शन बटन F11 प्रेस करना है। तो यहां पर देख सकते हैं पेरोल बाउचर ऑफ है, तो इसीलिए ये जो है ओपन नहीं हो रहा है। तो इसको हम अभी क्या करेंगे, यस कर देंगे। इसको यस कर दीजिए, कंट्रोल ए कर दीजिए, काम हो गया। यहाँ पे पेरोल बाउचर अब आपको शो होने लगेगा। तो यहाँ अदर बाउचर में जैसे ही आप जाते हैं तो अब आपको पेरोल सेक्शन भी दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं अटेंडेंस पेरोल, ये आपको दिखाई पड़ रहा है। तो अभी अटेंडेंस पे करते हैं क्लिक, ये अटेंडेंस हम बना लेते हैं। तो क्रिएट करेंगे तो यहां पर आएंगे, तो ये इंप्लॉय क्रिएशन है। तो यहां पर एक इंप्लॉय का क्रिएशन करते हैं, लाइक महेश इंप्लॉय का नाम है, ये हमने दे दिया महेश, ठीक है। एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, यहां पर आएंगे। यहां पर आने के बाद इनकी ज्वाइनिंग कब से हो रही है वो डेट यहां पर आएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे सैलरी की डिटेल आएगी इनकी, तो इसको यस कर देते हैं। तो यहाँ पर बेसिक सैलरी वगैरह हम यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं, तो ये हमने कर दिया बेसिक सैलरी। तो यहां लिख देता हूं मैं बेसिक सैलरी, कुछ इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये बेसिक सैलरी कर दिया हमने, एंटरप्रेस किया। ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज होता है, ये फिक्स्ड रहेगा, आप चाहे तो वेरिएबल भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के कैटेगरी में डालेंगे। नेट इफेक्ट सैलरी यस रहेगा, बेसिक सैलरी, और ये चीज नो रहेगी, आप ग्रेजुएटी को यस भी कर सकते हैं। और ये जो है कैलकुलेशन टाइप, यहाँ पे यूजर डिफाइन दिया हुआ है, और हम यहाँ पे फ्लैट रेट भी रख सकते हैं, और यहाँ पे ऑन अटेंडेंस भी दे सकते हैं। तो यहाँ ऑन अटेंडेंस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर अब दिया हुआ है अटेंडेंस लीव विद पे हुआ है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, एब्सेंट बनाते हैं, ठीक है ना है पहले। तो यहां पे आइए, यहां पे लिख दीजिए प्रेजेंट, PRESENT, इस तरीके से प्रेजेंट लिख दीजिए, एंटरप्रेस कीजिए, एंटरप्रेस कीजिए, और एंटरप्रेस करते हुए यहां पे अटेंडेंस करिए, ठीक है। आप ऑन प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, और यहां पे अटेंडेंस लीव, अटेंडेंस ये जो है ना इसको भी आप रख सकते हैं। तो ये यहाँ पे डेज दिया हुआ है, ये आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डेज दिया हुआ है, हमें यहाँ पे मंथ रखना है क्योंकि हम मंथ वाइज सैलरी देंगे, तो ये कर दिया हमने। और एज कैलेंडर पीरियड दिया हुआ है, यूजर डिफाइन दिया हुआ है, यूजर डिफाइन कैलेंडर टाइप दिया हुआ है, तो हम इसे एज कैलेंडर पीरियड रखेंगे, और यहाँ नॉर्मल राउंडिंग करके और इसको एक्सेप्ट कराइएगा। तो यहाँ इनकी बेसिक सैलरी जो भी हो यहाँ पे आपको दे देनी है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये रख दिया है, ठीक है। अब फिर बेसिक सैलरी के बाद कुछ और बनाना चाहते हैं, लाइक ट्रेवलिंग अलाउंस या कुछ इस तरह की चीजें बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज ही होगा, ये भी फिक्स्ड रहेगा, आप चाहे तो वेरिएबल भी रख सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको भी डालेंगे, ठीक है। और यहां पर ये फ्लैट रेट रहेगा, ठीक है, ये फ्लैट रेट कर दिया हमने, और मंथ वाइज मिलेगा, ठीक है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद इसको भी एक्सेप्ट कराइए। तो यहां पर मान लीजिए कि इनको 600 रुपया ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा एक महीने में, महीने का हो रहा है, यहाँ पे देखिए मंथ्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये चीजें हमको फिल करनी होंगी, ये चीज ध्यान दीजिएगा, एंटरप्रेस कीजिएगा। यहां पर जैसे ही आएंगे तो यहां पर हमें क्या करना है, ये हमने TA बना लिया, अब यहाँ पे DA यानी डियरनेस अलाउंस भी बना लेते हैं। DA बोलते हैं डियरनेस अलाउंस को, यहाँ पे फिक्स रहेगा और आप वेरिएबल भी रख सकते हैं। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस करिए, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस करने के बाद यहाँ पर आइए, और ये जो है आप चाहे तो फ्लैट रेट कर सकते हैं, तो ये फ्लैट रेट कर दिया, इस बार हमने मंथ्स कर दिया है, ठीक है, हर बार हमने मंथ ही रखा है, तो ये भी चीज देखने वाली है। और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करके इसको एक्सेप्ट कराइए। यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पे 500 रुपया DA मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और बनाते हैं, क्रिएट पे चलते हैं, यहां पे मैं बना लेता हूं टीडीएस, ठीक है। तो ये टीडीएस कर दिया हमने, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया। अब टीडीएस जो है डिडक्शन होता है, डिडक्शन होता है, क्या होता है, डिडक्शन होता है, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो ये कर देंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। और ये टीडीएस है, यहां पे पेस्लिप पे यही प्रिंट होगा, ठीक है। यहां पर आप चाहे तो प्रोडक्शन के हिसाब से जो भी आपको ठीक लगता हो, लेकिन इसमें हम फ्लैट रेट रखते हैं, ठीक है। और ये मंथ वाइज कर देते हैं इसको,
आप चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि इतना सैलरी है तो इसके ऊपर इतना टीडीएस कटेगा, इसके ऊपर इतना कटेगा, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना, अब मान लीजिए ये हो गया, तो इस पे जो है 500 रुपया टीडीएस कट जाएगा, यानी कि अभी आप देख सकते हैं कि 10,600 और 500, यानी कि कुल मिला के 11,000, ठीक है, 11,100 सैलरी बन रही है और 500 रुपये इसमें टीडीएस कट रहा है। अब यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं और यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर डालेंगे, ठीक है, एम्प्लॉय का नंबर आएगा, डेजिग्नेशन ये है क्या, तो यहाँ पे अकाउंटेंट कर देते हैं, अकाउंटेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी अकाउंटेंट कर देना है, इंटरफेस करना है, फंक्शन जो है अकाउंट्स का होगा, COUNTS, अकाउंट्स कर दिया हमने, इंटरफेस किया, लोकेशन तो हम देवरिया ही डाल देते हैं, तो ये समझाने के लिए बस मैं कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है। इंटरफेस किया, यहाँ पे ये मेल है, एंटरप्रेस करेंगे, अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह आ जाएगी इनकी, टैक्स नंबर, पैन नंबर, यानी कि पैन नंबर, आधार नंबर जो भी आपका है वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पर एक डमी पैन नंबर मैं डाल देता हूँ, ठीक है, तो ये एक पैन नंबर हमने डाल दिया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। वैल्यू क्या करेंगे, 30 डेज पूरा, ठीक है, तो ये हमने कर दिया, ओके, और ये महेश का ही है तो यहां महेश का नाम आ जाएगा, प्रेजेंट, ओके, क्लियर। अब ये हो गया हमारा, अटेंडेंस बन गया। अटेंडेंस बनाने के बाद क्या करेंगे, वापस चलेंगे हम, यहां पे देख सकते हैं ये अदर वाउचर्स दिया हुआ है, तो अदर वाउचर्स में जा सकते हैं और फिर यहाँ पे पेरोल पे चले जाएंगे। जैसे ही जाएंगे तो ये हम सिंगल एंट्री मोड में, आप हो सकता है कि डबल एंट्री मोड में हो तो डेबिट क्रेडिट आ रहा हो, तो आप सिंगल एंट्री मोड में चले जाइएगा। ये कैश में हम पे करेंगे, हालांकि हमारे पास कैश है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको पे करके दिखा देता हूँ, बाद में हम उसको मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। महेश की सैलरी है तो ये बेसिक सैलरी आ गई, ठीक है, तो 10,000 हमने बेसिक सैलरी दिया था तो यहाँ पे 10,000 कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बेसिक सैलरी के बाद क्या आएगा, डीए आएगा, तो डीए हमने कितना दिया था, 600 रुपये मान लीजिए डीए दे रहे हैं, 600 कर दिया। इसके बाद से टीए की बात कर लेते हैं, तो टीए कितना था, 500 था, तो यहाँ पे 500 रुपये टीए कर देते हैं, तो ये 500 रुपये टीए कर दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद से टीडीएस की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही टीडीएस करेंगे तो टीडीएस मान लीजिए 500 रुपये कटता हो, ठीक है, तो ये 500 रुपये हो गया। अब इसको एंड ऑफ लिस्ट करना है आपको, ठीक है, इस तरीके से एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। अब इसका हम प्रिंट आउट जब देखना होता है तो हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे पेरोल वाला जो है इसका प्रिंट आउट यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10,600 आया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये भी इनका 10,000 तो इनकी बेसिक सैलरी है और 600 क्या है इनकी, 600 इनका डीए है और 500 इनका टीए है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टीडीएस 500 है, तो 10,600 हो गया और 11,100 हो गया। 11,100 में से 500 अगर आप घटा देते हैं, 11,100 में से 500 घटा देते हैं तो 10,600 आता है, यानी टीडीएस जो है डिडक्ट हुआ है। कहने का ये मतलब है कि टीडीएस इस तरह से डिडक्ट किया जाता है। अब इसको मैनेज करना है, जैसे मान लीजिए कितना कैश माइनस में है, 10,09,932 रुपया माइनस में जा रहा है कैश, तो इसको मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, इसको मैनेज करने के लिए वाउचर में जाएंगे और यहां से हम चेंज कर लेंगे, इसको रिसिप्ट वाउचर बना देंगे, ठीक है। ये रिसिप्ट वाउचर में आ गए, अब यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे आप इसको डबल एंट्री मोड में भी ले सकते हैं, मोड यहां से चेंज हो जाएगा, चेंज मोड पे जाके और यहां से डबल एंट्री कर लीजिएगा। अगर आप डबल एंट्री कर सकते हैं तो यहां से डबल एंट्री बना लीजिएगा। यहां पे अल्ट के साथ सी प्रेस करके कैपिटल अकाउंट का एक लेजर बनाइएगा, ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट कर देता हूं मैं। अगर लेजर पहले से मौजूद होगा तो ये डुप्लीकेट एंट्री बताएगा, फिलहाल नहीं मौजूद है, इसे अंडर कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में डाल दीजिएगा। इस तरीके से ये डाल दिया हमने, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहां पर कुछ पैसे कैश में मैं डाल दे रहा हूं, ठीक है, अब ये डाल दिया मैंने कैश में, यहाँ पे कैश कर देंगे, ठीक है। आप बैंक के माध्यम से जा रहे हैं तो बैंक भी डाल सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आप जब जाएंगे उसी एंट्री को देखेंगे जो कि पहले हमने एंट्री पास की थी पेरोल वाली, तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको जो कैश नेगेटिव रेड में नजर आ रहा था अब वो रेड में नहीं नजर आएगा, और फिर अल्ट के साथ पी प्रेस करके इसका आप प्रिंट आउट देख सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी सैलरी स्लिप जनरेट हो गई है, देख सकते हैं कुछ इस तरह का सैलरी रेशियो आपको दिखाई पड़ेगा। आई होप की बात समझ में आ गई होगी आपको कि ये सैलरी पेरोल के थ्रू कैसे आप बनाएंगे और टीडीएस इसमें कैसे डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। इसको लेकर के डिटेल में और भी ज्यादा वीडियोस मैं बनाता रहूंगा, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।